हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सौरभ आ चुका हूँ फिर से न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक होने वाली है वो है ओला S1 एयर रेंटेड वाली स्कूटी को कैसे उबर में अटैच करें। देखो गाइस, मैं एक्चुअली रैपिडो का कल दिया था और आज मैंने प्राइवेट कर दिया, उसको हटा दिया। रीज़न है थोड़ी सी, इसलिए सभी चीज़ को हर तरफ से फैलाना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और आपको भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उसको मैंने हटा दिया। और ये भी वीडियो आज दे रहा हूँ, कल हटा दूंगा। और बाय द वे, मैं सौरभ आप लोगों को स्वागत करता हूँ एक फिर से न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। यार आप लोग बहुत कंजूसी करते हो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में। यार क्या बोल रहा था मैं, छोड़ो। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक करना मत भूलो यार। इतने कंजूसी क्यों, जैसे मैं मेहनत करता हूँ थोड़ी सी आपकी भी बनती है ना भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना, है ना। क्या लगता है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ें हैं, कर दो कर दो। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, उबेर में अटैचमेंट कैसे करें। देखो गाइस, कल जो बंदे ने रैपिडो का प्रोसेस देखा था तो RC निकालना पता है आप लोगों को, बट कोई नहीं, जो बंदा नया है उनको मैं बता देता हूँ कि RC वगैरह कैसे निकालते हैं। देखो भाई, प्ले स्टोर से आप लोग को ये नेक्स्ट जनरेशन परिवहन डाउनलोड कर लेनी है। सब मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप लोग देखते जाना। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली साइन अप कर लेना है। जो बंदे नए होंगे इस एप्लीकेशन में वो साइन अप करना, जो पुराने हैं वो लॉग इन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो गाइस, इंटरव्यू व्हीकल नंबर दे रहा है, तो आपको जो स्कूटी मिली है ना रेंट वाली, उस गाड़ी नंबर को यहाँ पे सिंपली इंटर करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को मिल जाएगी आपकी RC, ठीक है, जो कि इस तरह की है, देख लो आप लोग ध्यान से देख लो। तो इसमें से गाइस देख लो, इसमें रजिस्ट्रेशन डेट ये माइंड में रखना थोड़ा सा। देखो नीचे में लिखी हुई है ना रजिस्ट्रेशन डेट, वो माइंड में रखना। उसके बाद गाइस आपको सिंपली उबेर ओपन करना है। उबेर जब आप गैस ओपन करोगे तो आपको ऊपर साइड में देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा 3 डॉट का, उसमें क्लिक करोगे ना सिंपली अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। देख लो हर एक स्टेप को फॉलो करना ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए और इजीली आपका जो अकाउंट जो है अप्रूव भी हो जाए, ठीक है। और क्रॉप करके ही उस स्क्रीनशॉट को लेना, जो मैंने RC का निकालने का तरीका बताया उसका क्रॉप करके लेना, ठीक है। क्रॉप कर देना, जितना मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया था उतना ही लेना है आपको भी। तो अकाउंट पर जब क्लिक करोगे गाइस तो आपको ऊपर में एक व्हीकल का ऑप्शन दिख रहा है ना, जहाँ पे आपके गाड़ी की फ़ोटो लोगो बनी हुई है, उस पर सिंपली क्लिक करोगे गाइस। एंड इस पर जब क्लिक करोगे ना तो आपको रेडी टू ड्राइव में आपका गाड़ी नंबर, जो पहले आप गाड़ी चलाते थे, चाहे बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो या कोई भी गाड़ी चलाते थे, वो शो होगा। उसी के नीचे में गाइस देखो एड ए व्हीकल लिखा हुआ है। आप लोग सोच रहे हो कि यार रैपिडो का भी तो सेम ही प्रोसेस था, बट थोड़ी सी है प्रोसेस, आगे बताऊँगा गाइस, थोड़ी सी रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड ए व्हीकल जो लिखी है ना, इस पर सिंपली क्लिक करो। एंड यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू व्हीकल इन्फॉर्मेशन, तो ये व्हीकल की इन्फॉर्मेशन पूछ रही है। मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा मेक, मेक का मतलब होता है बनाया किसने, ठीक है। तो इसमें जब क्लिक करोगे गाइस तो ओला सर्च कर लेना, क्योंकि सबका रेंट जो है वो ओला ही दे रही है, ठीक है। मतलब ओला ही स्कूटी रेंट मिली है ऑब्वियसली गाइस। इसमें फिर आपके नीचे में ऑप्शन आएगा मॉडल का, तो मॉडल कौन सी है, एयर ही है ना भाई, वो S1 ले लोगे आप लोग, एयर नहीं आएगा, S1 आएगा और S1 Pro आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली S1 ही सिलेक्ट करना है, प्रो व्रो कुछ में सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके नीचे आएगा रजिस्ट्रेशन डेट, तो गैस मैंने पहले आपको बताया था रजिस्ट्रेशन डेट याद रखना, जो कि स्क्रीनशॉट लिया वहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन डेट नीचे में आपको लिखा आ रहा होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे फिल कर देनी है। काफ़ी सारे बंदे का 2023 का ही गाड़ी है, काफ़ी सारे बंदे का 2024 का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो अपने हिसाब से आप देख लेना, जो भी है वो प्रॉपर फिल करना। 20 दिसंबर 2023 है तो वही देना, या 20 जनवरी 2024 है तो वही देना, ठीक है। जो लिखा है एग्जैक्ट वही डालना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ब्रैकेट में RC, ठीक है। ये यहाँ पे ही आपका जो है मेन प्रोसेस है। यहाँ पे देख लो गाइस, इस पर जब क्लिक करोगे ना देन नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा लाइसेंस प्लेट नंबर। तो लाइसेंस प्लेट नंबर का मतलब होता है गाड़ी का नंबर, लाइसेंस नंबर मत डाल देना यहाँ पे। आपका जो गाड़ी का मिला हुआ है WB50V, उसका जो भी 4 डिजिट है वो, ये टोटल को आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। WB50V से स्टार्ट है और बाकी जो भी 4 डिजिट होगा आपका वो ऐड कर देना, ठीक है। नीचे में देख लो अपलोड डॉक्यूमेंट इंस्टेंट लिखा हुआ है ना, अपलोड डॉक्यूमेंट इंस्टेंट, इस पर क्लिक करना है सिंपली। जब इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो गाइस, टेक फोटो ऑफ योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे टेक फोटो पे सिंपली क्लिक करना गाइस। एंड क्लिक करोगे ना आपका फाइल मैनेजर का ऑप्शन आएगा, फाइल मैनेजर सेलेक्ट करना, जहाँ पे भी स्क्रीनशॉट है आपकी, जो आपको RC मैंने निकलवाई थी उसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना। बट याद रखना कि वो क्रॉप करके लेना, जितना मैंने दिखाया था उतनी बड़ी ही होनी चाहिए। अगर बड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो वो ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा, वो समझ जाएगा कि आपने स्क्रीनशॉट ले रखी है ना, तो क्रॉप करके ही करना। तो फाइल में जा करके आपका जो भी है वो ले करके सिंपली डन कर देना, बस हो गई।
नहीं भाई, इतनी सही नहीं है अभी, प्रोसेस और भी है। अब प्रोसेस जो है वो है लॉगआउट करने की, वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा, उसको छोड़ देना, 2 घंटे बाद लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद गाइस जा करके आपको सिंपली उसी ऑप्शन पे देखना है, कहाँ पे जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था, व्हीकल पे क्लिक करोगे एंड नीचे में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन कि नॉट अप्रूव्ड या अप्रूव्ड, ऐसा टू लिखा होगा। रेडी टू ड्राइव का मतलब है कि आप गाड़ी चलाने के लिए रेडी हो, उसी गाड़ी से चलाने के लिए रेडी हो, लेकिन अगर नॉट येट अप्रूव्ड लिखा रहेगा तो आपको अब यहाँ पे करना है प्रोसेस। 90% तो नॉट ये अप्रूव्ड है लिखा आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ना उबेर में ओला S1 एयर को लगाना थोड़ा सा अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो इसको अब अलाउ कैसे करवाएं वो आपका भाई बताएगा आपको। स्क्रीन पे देख लो गाइस, एक नंबर मैंने दे रखा है, ठीक है, ये उबेर की नंबर है। इस पे सिंपली जब क्लिक करोगे गाइस एंड सॉरी, इस पे जब कॉल करोगे, कॉल करके इनको बोलना है कि मैम या सर जो भी होंगे, मैंने गाड़ी अटैच किया था जो कि ओला S1 एयर, S1 एयर मत बोलना, सिर्फ बोल देना ओला S1, ठीक है। एयर पूरा डिटेल मत बता देना, नहीं तो ऐसे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन हमें भी नहीं भरनी है और उनको भी नहीं चाहिए। तो आप लोग सिंपली बोलना ओला S1 मेरे को ऐड करनी है, तो वो काइंडली उसको अप्रूव कर दीजिए मैम, वो काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ बट हमारा डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो गया, बहुत का अप्रूव्ड हो जाएगा डॉक्यूमेंट, लेकिन वो अलाउ नहीं करेगा चलाने के लिए, ठीक है। तो आप जैसे भी ऑप्शन शो कर रहा हो वैसे उसी हिसाब से आप उनको बता देना, ठीक है। ओला S1 मेरा नॉट येट अप्रूव लिखा रहा है बट मेरा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है, ऐसे आप बता सकते हो उनको। वो जब बता दोगे तो वो बताएंगे कि आपके गाड़ी का डेंसिटी कम है आपके सिटी में, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ या करती हूँ वो बोल रहे होगा, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट आपको बोलेंगे कि ठीक है मैं कर देता हूँ, तो आप उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बोलना, इजीली अप्रूव्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ओला S1 जो हम लोगों को रेंटेड गाड़ी मिली है ना, उसकी डेंसिटी कम है, मतलब मुझे जो बताया गया था मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेंसिटी बताई जाती है हम लोगों को, तो वही मैं बता रहा हूँ, डेंसिटी कम है, तो वो आपको क्या कहते हैं, डेंसिटी को बढ़ा करके आपको गाड़ी को अलाउ कर देते हैं। फिर आप थोड़ी देर के बाद लॉग आउट करके लॉगिन करना, या वो जो बोलेंगे वो कर लेना। उसके बाद से गाइस आप लॉगिन करके देखना, वहाँ पे जब लॉगिन करोगे नीचे में फिर एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट योर व्हीकल, तो वहाँ पे आप ओला सिलेक्ट करोगे सिंपली, और उस ऑप्शन पे क्लिक करके ओला सिलेक्ट करना एंड उसके बाद देखना आपकी गाड़ी गन गन करके चल जाएगी गाइस। तो ये प्रोसेस है, काइंडली इसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, जो स्टेप बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करो, ईजिली हो जाएगा, ठीक है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या पंगा है भाई, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया करो, जल्दी से जल्दी 5K कंप्लीट करो, तभी तो एक छोटा सा मीटअप रखूँ, है ना। चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी प्रोसेस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और किन किन का वर्क कर रहा है वो भी बताना गाइस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ।